जब अपने बाप की लाश उठाकर कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा तो रास्ता बंद था। बादशाह के सिपाही और महाफिज हथियारों से लैस वहां खड़े थे। चुनांचा बादशाह के काफले के गुजर जाने तक मुझे अपने मुर्दा बाप के साथ वहीं रुकना पड़ा। जलते सूरज ने मेरे बाप की बोसीदा आंथड़ियों को भूनना शुरू कर दिया। तो बादशाह के लोग अब काइयां लेकर गिरने लगे। फिर मेरे बाप के करीब और लाशें जमा होने लगी और बदबू का वो तूफान उठा कि बादशाह खेला रह गया। वो ओके करने का आदि नहीं था, इसलिए उसके मैदे में पड़ी हुई खुराक और शराब उसकी सांस की नाली में उतर गई और फिर सारे रास्ते खुल गए। फिर हम सब ने अपने अजीजों की लाशों को सलामी दी और उन्हें एजाज से दफन करने के बाद अपने शहर का नाम मुर्दाबाद रख दिया।